नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार के हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है। किस कमोडिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। सबसे पहले कमोडिटी बाजार में शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1756 पर कारोबार कर रहा है और जो सिल्वर है वो $22.7 पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। हम आज भी देख रहे हैं कि आज भी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक नरमी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल जो US के जो जॉब्स पेरोल के जो आंकड़े निकल के सामने आए थे वो लोअर देन एक्सपेक्टेड थे, जिसकी वजह से सोने चांदी कीमतों में पहले के मुकाबले हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन जो दाम है अभी भी निचले स्तर पर ही है। बात करें कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI इस वक्त $80 पर है, 2% की तेज़ी के साथ 81% का स्तर आज छू सकता है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो $83 पर कारोबार कर रहा है 1.5% की तेज़ी के साथ। देख रहे हैं कि कच्चे तेल का वायदा बाजार भी आज अच्छे खासे लेवल पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी सोने चांदी सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या साल के अंत तक पहले जो प्रिडिक्शन दी गई थी एक्सपर्ट्स द्वारा कि सोना चांदी की जो कीमतें हैं पिछले साल के मुकाबले अधिक कमवाती भी नजर आएंगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विफल होती हुई नजर आ रही है? देखिए जहाँ तक सोने और चांदी की बात है अभी इसके अंदर फिलहाल जो है सुस्ती के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है और आगे भी माना जा रहा है कि अभी बाजारों के अंदर सुस्ती का ही माहौल रह सकता है। एक जो उम्मीद की जा रही थी त्योहारी सीजन के चलते डिमांड निकल सकती है फिलहाल वो भी सुस्त होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो विदेशी बाजारों में संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा सोने की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो सोने के अंदर ऊपरी स्तरों पर दबाव बना रह सकता है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोने के अंदर तेजी बन सकती है, लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव की अगर बात की जाए तो इंट्राडे में लगता है कि सोना एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा कि पिछले काफी लंबे अरसे से हम देख भी रहे हैं कि एक सीमित दायरा सोने का देखने को मिल रहा है, अभी 47,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर ऊपर जी बात करें अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में आपको क्या लगता है, देख रहे हैं कच्चे तेल में आज भी बढ़त का दौर जारी है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और भारत में भी देख रहे हैं कि उसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये जो तेजी का दौर है ये कब तक जारी रह सकता है और आपको क्या लगता है क्या आगे जाके पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी और अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल पाएगा? देखिए अभी लगता है कि कच्चे तेल की कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है और अभी और बाजारों के अंदर अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जिस तरीके से हमने डोमेस्टिक मार्केट में देखा कि 6,000 के ऊपर निकल चुका है, इनफैक्ट 6100 के आसपास है, अब 6200 तक ऊपर जा सकता है। आज भी अच्छी रैली है, 2.5% की तेजी है। लगातार हम बताते आ रहे हैं कि कच्चे तेल में खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए और आगे और पेट्रोल डीजल की कीमतें तेज होती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी रूपा जी क्रूड के साथ बात करें यहाँ से अगर एनर्जी सेक्टर में कोल की तो देख रहे हैं कि जो कोयला है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो कोयला है उसकी काफ़ी ज़्यादा किल्लत देखने को मिल रही है काफ़ी जगहों पर, जिसकी वजह से बिजली संकट भी देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है इसका असर भारत के अंदर किन किन चीज़ों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए एक बार आप अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराइए। हाँ रूपा जी हम देख रहे हैं कि जो कोयला है उसकी भी किल्लत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, आप क्या लगता है अगर कोयले की किल्लत देखने को मिलती है तो भारत के अंदर किन किन सेक्टर्स में इसकी जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है? देखिए आगे चल के अभी और कीमतों में उछाल जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बन सकता है जिस तरीके के सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसका ही सीधा इम्पैक्ट जो है तेल की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की तो देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का बाजार अब ठीक ठाक खुलता हुआ नजर आ रहा है, निकल में 1.25% की तेजी है 1511 पर है और बात करें कॉपर की तो कॉपर भी ठीक ठाक ही है, आपको क्या लगता है? देखिए जहाँ तक बेस मेटल्स की बात है बेस मेटल्स के अंदर अभी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बेस मेटल्स के अंदर कॉपर के अंदर भी एक अपसाइड मोमेंटम बन रहा है और इसी के साथ देखा जाए तो निकल और जिंक के अंदर भी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए निकल 1500 के ऊपर निकल चुका है और अभी यहाँ से 1520 से लेकर 1540 तक ऊपर जा सकता है, वहीं अगर बात करें कॉपर की तो कॉपर भी ऊपर में 740 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए अगर आज नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज कच्चे तेल में तेजी है और इसके साथ बेस मेटल्स में आज खरीदारी करके मुनाफा कमाया जा सकता है। जी तो यानी कि कच्चे तेल और बेस मेटल्स, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।